वी हैव सच अ पर्सनैलिटी विद आस जो टकटक के बावजूद आपको लगता है टकटक किए बिना कुछ हो सकता है बाजू में टक टक चल रही है फिर भी वो मकाम पाना वो स्थान पाना आसान नहीं है अ पर्सनैलिटी हुज करियर विद डी एक्सन इन टू थाउजेंड वन जो केरला से एम बी ए किए हुए है बहुत सारे राष्ट्र घूमे हैं अभी उनके जुबानी हम सुनेंगे कितने राष्ट्र घूमे हैं लेकिन जो आज ब्राइटन राष्ट्र है उसमें से पेरू आ, और बहुत सारे राष्ट्र जो उन्होंने अच्छे पॉलिश किए हुए हैं अच्छे शासन किए हुए हैं डीएक्सेंट के लिए बहुत बढ़िया मकाम पाए हुए वो राष्ट्र भी हम देखेंगे और नज़दीक में एक त्यौहार है होली सबको पता है सबको पता है पूरण पोड़ी बनती है रमजान चल रहा है ईद आएगी तब तो हम क्या ढूंढते हैं बिरयानी या सिर कुरमा कहाँ पर मिलेगा एक अलग रेसिपी हाँ एक अलग रेसिपी उस शख्स के जुबान जिन्होंने बहुत देशाटन किया पेरी हो पेरू हो मेक्सिको हो यूएसए हो यूरोप हो इंडिया हो और यहाँ सबके यहाँ से जो अनुभव लिया है वो ही आपको परोसना चाहते हैं सुनने को तैयार हो yes. क्योंकि मातृशक्ति और छात्र शक्ति छात्र शक्ति यानी नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इन द स्कूल एंड कॉलेज हम भी छात्र शक्ति है राष्ट्र शक्ति बनती है तालियों की गूंज में मैं बुलाना चाहती हूँ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ डी इंटरनेशनल मिस्टर प्रजीत पवित्रन सर को स्टेज पर और तालियों की गुंज ऐसे होनी चाहिए कि बहुत बढ़िया जो रेसिपी आज ये देने वाले हैं तो हमारा जीवन बदल सके वैसी रेसिपी हम चाहते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र गुड मॉर्निंग मुंबई गुड मॉर्निंग पुणे तालियों की होनी चाहिए तालियां <laughs> तालियां तालिया चाहते हैं ताकि अच्छी रेसिपी मिले थैंक यू 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 थैंक थैंक सो बहुत बहुत खुशी हो रही है बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि नो you know, मुंबई में मीटिंग हो रहा है हालांकि uh, जब मैंने शुरुआत की थी डीएक्शन में दो हजार का समय था कि मैं मुंबई में काफ़ी ट्रैवल करता था और मुंबई में लगातार मीटिंग करता था मैं दादर में पनवेल में मटूंगा सब जगह यू नो इतने सारे मीटिंग्स हम एक हफ्ता रहते थे तो डेली हम लोग एक दो मीटिंग्स करते थे यू नो वो था 22 साल पहले 22 साल पहले मुझे याद है जब मैं जॉइन किया था तो डी ओवरऑल आठ देशों में था एट कंट्रीज़ और आज इतने सालों में डीएक्सन फैल गया है एक से अस्सी देशों से ज्यादा अराउंड द वर्ल्ड बाईस साल पहले जब मैं शुरू किया था मैं जब ज्वाइन किया था डीएक्सन उस समय हम लोग ग्लोबली हम लोग दस लाख मेंबर्स थे वन मिलियन अराउंड द वर्ल्ड तो हम लोग सेलिब्रेट करते थे कि यार डीएक्सन एज क्रॉस्ड वन मिलियन दस लाख पार कर चुका है करके हम सेलिब्रेट करते थे उस समय आज वो नंबर एक वन uh, मिलियन से दस लाख से लेकर अभी एक करोड़ सत्तर लाख हो चुका है <laughs> आ, दुनिया भर <फर> में <laughs> <laughs> तो बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है काफ़ी फैल रहा है आई मीन अफकोर्स आई रिम्बर 2001 की बात है जब हम शुरू किए थे उस समय इंडिया वॉज न्यू इंडिया शुरू हुई हम लोग टू uh, थाउजेंड में शुरू हुई इंडिया इंडिया वॉस न्यू बट इंडिया ग्रेजुअली काफ़ी अच्छा पिकअप किया था बहुत अच्छा पिकअप किया था और इंडिया और फ़िलिपींस वज़ द कंपीटिंग कंट्रीज उस समय किसको नंबर वन पे पहुंचना है इंडिया को कि फ़िलीपींस को तो फिलीपींस एक महीने नंबर वन पे हो जाती थी तो दूसरे दिन दूसरे महीने इंडिया सो इट वाज वेरी कंपीटिंग 2001 2003 2004 5 6 इंडिया बिकेम नंबर वन इंडिया ने फिलीपींस को पीछे छोड़ दिया और इंडिया बिकेम नंबर वन 2005 2006 2007 2008 और उस समय इंडिया में नंबर रीजन कौन सा था आपका पता है महाराष्ट्र महाराष्ट्र वॉज नंबर वन महाराष्ट्र से पहले गुजरात थी गुजरात इन रिम्बर गुजरात वॉज नंबर वन फिर महाराष्ट्र ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया और महाराष्ट्र बिकेम नंबर वन बी नंबर वन एंड रिमेन नंबर वन फॉर अ लॉन्ग टाइम 2007 2008 2009 उस समय मेरा फिलीपींस में ट्रांसफर हो गया था फिर वहाँ से 2009 में आई गॉट ट्रांसफर टू मैक्सिको फिर 2009, 2010, 2011 दो दस मैक्सिको मार्केट बिकेम वेरी स्ट्रांग उस मैक्सिको मार्केट मैक्सिकन लीडर्स बहुत सारे लैटिन लोग जुड़ गए कंपनी में और मैक्सिको ओवर इंडिया और मैक्सिको नंबर वन हो गया इंडिया केम टू नंबर टू पोजीशन। उसके बाद मैक्सिको से हम लोग साउथ अमेरिका स्प्रेड आउट किए पेरू में शुरू किया एक छोटा सा देश है बोलीविया में शुरू किया कोलम्बिया पानामा इक्वाद और बहुत सारे साउथ अमेरिकन नेशंस में हम लोग एंटर किए अभी देखा जाता है अभी 2024 है अभी देखा जाता है तो दुनिया भर में जितने भी देश है उसमें से नंबर वन पोजीशन जाता है पेरू और पेरू की आबादी है तीन करोड़ चालीस लाख <laughs> इंडिया का आई मीन महाराष्ट्र का क्या पॉपुलेशन यहाँ पर मुंबई तो, का पॉपुलेशन तो उससे कभी ज़्यादा है हाँ फोर्टीन करोर्स मुंबई का अलउंड पॉपुलेशन है छोटा देश है एकदम छोटा देश है डेवलपिंग इकोनॉमी है तीन करोड़ चालीस लाख वो है नंबर वन पे भी नंबर टू पे है बोलीविया जो कि उससे भी छोटी देश है एक करोड़ का पॉपुलेशन है वो है नंबर टू के स्थान पर नंबर थ्री जो है वो है मैक्सिको और नंबर फोर्थ हो गई है इंडिया इंडिया नंबर फोर्थ है इंडिया है, हमारा पॉपुलेशन है एक करोड़ उसके बाद नंबर पाँच पे आता है मिडिल ईस्ट हैं जो आपका गल्फ़ रीजन से हैं यू हुआ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन वगैरह वगैरह नंबर सिक्स पे मोरक्को नंबर सेवन पे आता है फिलीपींस, फिर मलेशिया फिर यू ऐसे जाता है टॉप टेन लोग हमेशा पूछते हैं मैं भी ट्रैवल कर रहा था आ, आ, इंडिया में हम लोग को रांची में मीटिंग्स हुई पटना में हुई नो, बहुत सारे लोग, लोग सवाल करते हैं क्या हम इन लैटिन देशों को पीछे छोड़ सकते हैं क्या हम पेरू को बोलीविया को पीछे छोड़ कर नंबर वन हो सकते हैं आपको क्या लगता है yes. ये जो पेरू बोलीविया जो है ये बहुत सालों से नंबर वन के स्थान पर है और लोग लो लो हर महीने इवन तो उनका पॉपुलेशन काफ़ी छोटा है हर महीने लोग लो अपना खुद का रिकॉर्ड्स बीट करते आ रहे हैं बीट करते आ रहे हैं हर महीने तो लोग पूछते हैं क्या संभव है कि हम प्रथम स्थान पर नंबर वन पर पहुँच सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि इंडिया में क्योंकि मैं जानता हूं इंडिया में कैसे हम लोग काम करते हैं मैं समझता हूं फिलिप बाकी देशों में कैसे काम चलता है मुझे पता है और मैं कॉन्फिडेंस कहता हूं लोगों को कि नॉट ओनली हम लोग नंबर वन पे पहुंच सकते हैं बट ऐसे मकाम पे पहुंच सकते हैं कि दूसरे लोग बराबरी भी नहीं कर सकते हैं दैट इज़ अ पोटेंशियल वी हैव दैट इज़ अमेजिंग पोटेंशियल वी हैव क्योंकि इंडियंस जैसे काम करते हैं इंडियंस को जैसे काम करना आता है हम 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 हर तरीके को दो चार एंगल से देख सकते हैं बाकी बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जो एक ही एंगल से चीज़ों को यू नो परख सकते हैं वी हैव वी हैव हम लोग को बहुत सारा वी हैव सो मच एबिलिटीज़ एंड स्किल्स जो कि बताया नहीं जा सकता काम में हम हमारा दिखाई देता है एंड वी कैन बिकम नंबर वन वी कैन नॉट ओनली बिकम नंबर वन वी कैन वी कैन बी एट अ पोजिशन कि कोई भी वहाँ तक पहुँचने के बारे में सोच भी नहीं सकता दैट इज़ वॉट वी कैन डू तो लोग सवाल करते हैं कि क्या करना चाहिए वट इज टू बी डन टू बिकम नंबर वन ये जो कंट्री है जैसे कि पेरू देखा जाता है इसकी शुरुआत हुई 2010 में करीबन 2013-2014 में इट बिकेम ऑलरेडी नंबर वन तब से लेकर नंबर वन के स्थान पर ही है तो लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है वॉट इज द रीजन कि लोग करते क्या हैं? क्या इनके हाथ में कुछ जादू की छड़ी है कि जो हर महीने घुमा दिया और बन गए नंबर वन एक कंट्री जो नंबर वन हैन हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्रोज एक सौ बीस करोड़ हर महीने बना रही है इंडस्ट्री में भी नंबर वन है वो एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग ये नहीं कि हो गया है सैचुरेशन हो गया हर महीने ग्रो हो रही है फिर ग्रो हो रही है मैं लोगों को बताता हूँ कि स्टोरी क्या है पेरू की हम लोग ने कैसे शुरू किया पेरू आप सुनना चाहेंगे yes. मुझे याद है दो में जब हमने एक्टिविटीज़ मूवमेंट्स देखा कि हम पेरू में डिमांड बढ़ रहा है लोग बहुत मेंबर्स पूछ रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमने कंपनी का फॉर्मेशन किया 2009 में और 2010 में जनवरी में हमने बिजनेस शुरू की पेरू में पेरू का कैपिटल सिटी है लीमा छोटा देश है छोटा देश है एक, एक हमारा एक प्रदेश जैसा है। उसका कैपिटल सिटी है लीमा तो लीमा में 2010 में हमने एक ऑफिस सेटअप की आ, बहुत बड़ा ऑफिस नहीं था छोटा ऑफिस नहीं था डी ऑफिस था एक्सेसिबल था लोगों का आने जाने में एकदम आसानी था तो हमने ऑफिस सेटअप की और एक दिन डिसाइड किया कि चलो आज ओपन करते हैं फॉर बिजनेस और तो क्यों डिसाइड किया क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स आ चुका था पहला जो कंसाइनमेंट आना था मलेशिया से आ चुका था लेकिन हमारे में क्या होता है कि पहला कंसाइनमेंट डी हमेशा बाई एयर बेचती है नए मार्केट के लिए पहला कंसाइनमेंट दूसरा कंसाइनमेंट शिप से आता है सो so, जब एयर से प्रोडक्ट्स आती है तो ज़्यादा तो ज़्यादा तो उन्हें भेज नहीं पाएंगे नो ना इट्स बाय एयर आ रहा है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि चलो एक महीने तक ये प्रोडक्ट्स ठीक जाएगा क्योंकि एक महीने के बाद हमारा हमारी बड़ी शिपमेंट आ रही थी लेकिन मेरा अनुमान गलत था मेरा एक्सपेक्टेशन गलत था क्योंकि पहले ही दिन जब हमने ऑफिस खोली पहले ही दिन सारे प्रोडक्ट्स वॉश आउट हो गए निकल गए सारे कहाँ कहाँ से लोग आए कहाँ कहाँ से इतने सारे ऑफिस में करीबन 500-600 लोग ऑफिस के एक छोटे रूम में ऐसे थे और का, का, कार्टन लेके बड़े बड़े यू नो लेके एक 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 एक, एक आदमी तो दो चार कार्टन लेके भाग रहा है पूरा प्रोडक्ट्स चला गया वी ऑलरेडी सोल्ड आउट ऑल द प्रोडक्ट्स फर्स्ट डे फर्स्ट डे गॉट सोल्ड आउट ऑल द प्रोडक्ट्स एक भी प्रोडक्ट बचा नहीं अब क्या करें दूसरा दु, दु, बड़ा शिपमेंट तो आने में टाइम है एक महीना और लगेगा फिर भी हम ऑफिस तो खोल कर रखे हम लोगों ने ऑफिस तो खोले तो लोग आते थे आ, और उनका लैंग्वेज स्पेनिश है स्पेनिश उस समय तो मैं उतना फ्लुनटली नहीं बोलता था मैं सीख रहा था स्पेनिश तो बात क्या करें बात तो कर नहीं पाएंगे तो लोग आते थे तो मैं उनको बड़ी सी स्माइल देता था वो भी इन रिटर्न मुझे भी एक स्माइल देते थे ऐसे चलता था और उनके पास काफ़ी सवाल हुआ करता था मुझे आई रिम्बर लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन सवाल बहुत इसलिए था क्योंकि सब नहीं है उनके लिए कंपनी नहीं है प्रोडक्ट्स नहीं है सिस्टम नहीं है मैं भी नया हूँ तो उनके पास सवाल तो होना बहुत ज़रूरी था तो बहुत सारे सवाल करते थे लेकिन एक ऐसा सवाल था जो हमेशा उन लोग करते थे मुझे हर वक्त उन लोग एक सवाल करते थे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बार बार करते थे और वो सवाल था <coughs> मिस्टर प्रजीत बताइए डीएक्सन कैसे सरवाइव करेगा पेरू में अब बताइए आपकी कॉफ़ी है आप कॉफ़ी लेकर कॉफ़ी बेच हम लोग पहला प्रोडक्ट्स हम लोग कॉफी लॉन्च किए थे थ्री इन वन कॉफ़ी टू इन वन कॉफ़ी कोकोजी ये थ्री प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे तो पूछे मुझसे कि आपका कॉफी दूसरे कॉफी से कैसे कंपीट करेगा ये उनका सवाल था और उनका ये सवाल पूछने के पीछे भी कारण है दर इज अ गुड रीजन फॉर दम टू आज दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज हम आखिरी कंपनी थे जो एंटर किए पे हमसे पहले ऑलरेडी हमारे जो नकल करने वाली जो और कंपनीज़ हैं इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी छः वहाँ पर पहुँच चुके थे और लोग बिजनेस कुछ सालों से कर रहे थे हम आखिरी कंपनी थे तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप हमें गैनोडर्मा कॉफ़ी के बारे में सिखा रहे हो बता रहे हो हम गैनोडर्मा समझते हैं हमें से बहुत सारे उस कंपनी में काम कर चुके हैं आप कॉफ़ी के बारे में हमें सिखा रहे हो हमारी कंट्री कॉफ़ी की कंट्री है हम लोग कॉफ़ी ग्रो करते हैं यहाँ पर आप क्या सिखाओगे हमें कॉफ़ी आप ये बस ये बताओ कि आपकी कॉफ़ी कैसे कंपीट करेगी दूसरे कॉफ़ी से बस यही चीज़ बताओ मैं अब सभी का सवाल रहता था ये तो मैं उनसे पूछता था ऑफ <coughs> कोर्स माना कि हमने हमने लेट हम वी आर द लास्ट कंपनी टू कम इन पेरू आप कॉफ़ी के बारे में ऑलरेडी समझते हैं मैं जानना चाहता हूं कि आप बताओ कोई कॉफी कंपनी के बारे में बताओ जो कॉफ़ी बेचती है तो उन्होंने मुझे बताया मार्केट में ये कॉफ़ी है ये कंपनी बेचती है एक्स वाई जी कुछ का नाम लिया उन्होंने तो मैंने पूछा उनसे कि ये जो कंपनी है जो कॉफ़ी गैनटरमा कॉफ़ी बेचती है ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में क्या अच्छा नाम है इस कंपनी का रेनाउंड है पेरू में तो काम कर रही है लेकिन दुनिया भर में कैसे काम कर रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि पेरू में तो काम कर रही है लेकिन दुनिया में उनका कुछ नाम नहीं है इंटरनेशनली कुछ तो बड़ा नाम नहीं है लेकिन पेरू में ठीक ठाक कर रही है तो मैंने उनसे पूछा कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेच रही है उस प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के बारे में क्या कंपनी चर्चा करती है आपसे तो उन्होंने कहा कि नहीं क्वालिटी के बारे में कंपनी ज़्यादा बात नहीं करती है उन लोग खाली बिजनेस के बारे में बात करते हैं पैसा बनाने के बारे में बात करते हैं तो मैंने पूछा कि क्या कंपनी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात करती है तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 वो तो कंपनी चाइना से किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट्स लाती है रॉ मटेरियल्स वहाँ से आता है उन लोग टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो खाली बिज़नेस के बारे में ध्यान देते हैं पैसा बनाने के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मैंने पूछा क्या है प्राइस इस कॉफ़ी का तो उन्होंने बोला कि वो कॉफ़ी बीस डॉलर में लोग बेचते हैं बीस डॉलर एक बॉक्स का बीस डॉलर और उस टाइम पे 2010 में जब हमने बिजनेस शुरू की थी हमारा कॉफ़ी का प्राइस था 10 डॉलर 10 डॉलर तो हम लोग सेम कॉफ़ी 10 डॉलर में बेच रहे हैं और वो कंपटीशन में वो 20 डॉलर में बेच रहे हैं ये ये था हालत मैंने मेंबर से पूछा कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो इस कंपनी को हमारे साथ क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते बोले हमारे में आप पूछो यू नेम इट वी हैव इट थाउजेंड वन 14001, एसीपी टीजीए थे गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जीएमपी सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट हर एक प्रोडक्ट हैज गॉन थ्रू दिस क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजी के बारे में दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी बात ही नहीं करती और हमारा products, हर एक जो है टेस्ट ऑफ टाइम ऑलरेडी ऐसी गले में उतारना नहीं पड़ता है लोग आते हैं पूछने के लिए कहा मेरी कॉफी है दो मेरी कॉफी कहां पर है दो दिन अगर प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाए तो लोग रोना शुरू करते हैं यहां पर है कि नहीं बोलो <laughs> इंटरनेशनली वी आर द मार्केट लीडर्स उस समय 2010 में हम लोग एक सौ डेढ़ सौ से ज्यादा देशों में थे बीस डॉलर you know, you know, में बेचता है हम दस डॉलर में बेचते हैं तो मैंने पूछा किनियर आपको यह सवाल मुझसे नहीं करनी चाहिए कि हम उनसे कैसे कंपीट करेंगे आपको यह सवाल जाके उनसे पूछनी चाहिए कि वो हमसे कैसे कंपीट करेंगे भी? गलती से भी हमारे आसपास आ जाए तो हम उसे कच्चा चबा जा सकते हैं <laughs> गलती से खा जाएंगे लोग वो गलती से हमारे पास ना है मैंने बोला कि आप कंपटीशन के बारे में डरो मत यू आर इन अ वेरी गुड कंपनी यू हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स यू हैव वेरी गुड सिस्टम और अ कंपनी विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म डोंट लुक टू योर लेफ्ट डोंट लुक टू योर राइट स्टे फोकस काम करो सिस्टम में और बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस डीएक्शन कैसा है ऐसा सोच जाएगा आपको तो इट सिक्स मंथ्स छः महीने में उनको पता चल गया कि डीएक्शन क्या है कैसे पता चला जब दूसरी कंपनीज उनका हालत थोड़ा ढीला होना शुरू हो गया तब ब्रेक दे दे सारे टू लूज़ बिजनेस तब उनको एहसास हो गया कि हाँ क्यों क्यों ऑफ कोर्स बिकॉज उनके सारे जितने मेंबर्स हैं वो डी में आना शुरू कर दिए सबको पता चल गया कि हाँ एक असली कंपनी आ चुका है मार्केट में चलो अब इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं इस तरह शुरुआत हुई रिएक्शन की पेरू में लोगों को पता चल गया कि हम हाँ, लोग एक सही कंपनी में है एक सही सिस्टम में है गुड प्रोडक्ट्स के साथ हैं विश्वास हो गया लेकिन तब से काम शुरू हुआ और अब तक पेरू ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा पेरू के लोग ना हम कभी बात नहीं करते नंबर वन होने की कोर्स नंबर वन हो चुके हैं बट नोबडी बडी फॉर द सेल्स कोई सेल्स नहीं पूछता कि ठीक है नंबर वन हमें सेल्स किया है कोई नहीं पूछता एवरीबडी वी इज कंसर्न अबाउट लोग क्या किस चीज पे कंसर्न है किस चीज पे लोग ध्यान देते हैं अपने इनकम पे अपने ग्रोथ पे अपने डेवलपमेंट पे आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं कब मैं स्टार एजेंट बनूंगा स्टार एजेंट बन गया मेरा डायमंड कब बनूंगा मैं डायमंड बन गया मैं क्राउन डायमंड कब बनूंगा क्राउन डायमंड बन गया मैं क्राउन एंबेसडर कब बनूंगा इसी के बारे में ध्यान देते हैं यू नो ऑल दिस वी हैव सीन द पेरू ग्रो द कंट्री ग्रो एकदम मंथ आफ्टर मंथ ईयर आफ्टर ईयर और नंबर वन पे कायम है इतने सालों से सो so लोग पूछते हैं कि कारण क्या है वॉट इज़ अ रीज़न तो अब हम हमेशा उनको कहते हैं कि एक रेसिपी है हा, एक हम कहते हैं उसे लैटिन रेसिपी फॉर सक्सेस वो लैटिन रेसिपी ऑफकोर्स जैसे काम चल रहा है किस तरह से लीडर्स काम करते हैं किस तरह से मेम्बर्स काम करता है उस सबको समझ के हमने वो रेसिपी तैयार की लेकिन वो जो रेसिपी है वो खाली पेरू के लिए नहीं है वो रेसिपी है पूरे दुनिया भर के लिए एनी बडी हु कैन फॉलो दिस रेसिपी कैन बिकम सक्सेसफुल तो मैं आज चाहूंगा कि वो रेसिपी आपके सामने प्रेजेंट करूं अगर आप चाहते हो तो yes, क्या आप चाहते हैं क्यों पेरू नंबर वन है आप जानना चाहते हैं क्यों ये जो लीडर्स है कॉन्स्टेंटली अपना रिकॉर्ड्स ब्रेक करते आ रहे हैं जानना चाहते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड द लैटिन रेसिपी फॉर सक्सेस ये रेसिपी जो है इसमें पांच तत्व है राइट टू अंडरस्टैंड दिस फिर फाइव की इंग्रेडिएंट्स, पांच तत्व हैं और सारे तत्व जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं तो लोग कहेंगे कि यार मुझे मैं पांच तत्व तो समझ गया लेकिन मैं अपनाऊंगा के, केवल चार एक तो अपनाऊंगा नहीं आएम नॉट गोइन टू फॉलो वन आई एम सॉरी आई टेल दम यू के नॉट भी सक्सेसफुल अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाते हो तो आपका सक्सेस ज्यादा टिकेगा नहीं अगर आपको सक्सेसफुल होना है आपको अगर फ्रीडम हासिल करना आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको पांच तत्व पूरी तरह पूरे तरह से आपको अपनाने पड़ेंगे समझ के अपनाने पड़ेंगे आप रेडी हो सो वॉट आर दीज फाइव इंग्रीडियंट सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर वन शन जुनून अब जो भी लीडर्स देखते हो जो फ्रीडम हासिल कर चुका है आप उनसे बात करते हो तो आपको लगेगा कि उनमें एक अलग सा एक ऊर्जा है एक एनर्जी है एक अलग सा एनर्जी आपको देता है वो आप स्टेज पे बात करते हो तो वो वो यू नो हीप ही शाउट्स एंड ही डांस ही टॉक्स एट इस पिच ऑफ इस ऊंचे आवाज में बात करता है इज नथिंग बट एनर्जी और एनर्जी कहां से आता है पैशन एवरीबडी हु इज सक्सेसफुल इन बिजनेस अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको वो पैशन बिजनेस में लाना पड़ेगा पैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पैशन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग कहते हैं जुनून ये जुनून इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुनून आता कहां से है पैशन हम सभी समझते हैं करेक्ट जुनून समझते हैं जुनून लाना जरूरी है लेकिन जुनून आता कहां से है वेयर इज द पैशन कंफर्ट कहां से आता है पैशन पैशन आता है फ्रॉम अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कॉल बिलीविंग विश्वास विश्वास आप जो कर रहे हो क्या आप उसमें विश्वास करते हो आप लोग डीएक्शन में हो क्या आप डीएक्शन में विश्वास करते हो आप ये बिजनेस कर रहे हो क्या आपको डी एक्शन में विश्वास है इस बिजनेस में विश्वास है आपकी जर्नी तभी शुरू होती है जब आपका विश्वास बनता है इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम हम तो शुरू किए 2015 में लेकिन दो साल तक तो मैंने वो किताब वो जो क्या था आपका जो बाइंडर है तो मैं खोल के देखा भी नहीं दो साल तक तो बस रखा रहा अलमारी में दो साल के बाद किसी ने बताया कि डीएक्शन सिस्टम वगैरह वगैरह तब जाके पता चला याद आया कि हाँ मैं भी तो मेंबर तब जाके मैं वो किताब में देख, देखना शुरू किया और तब पता चला कि Dxn में क्या पावर है तब शुरू किया मैं दो साल के बाद आपका आपका जो जर्नी शुरू होता है दो में नहीं दो साल के बाद जब आप एक्चुअली विश्वास करते हो तब से आपका जर्नी शुरू होता है आप समझ रहे हो मेरी बात yeah. विश्वास जब विश्वास के बारे में बात करते हैं हम लोग बिलीविंग बात करते हैं मैं जानना चाहूंगा कि आपके सपने हैं आप सपने देखते हो yes. आपका सपना मजबूत है लेडीज एंड जेलमेन शेयर स्टोरी विथ यू एक कहानी शेयर करना चाहूंगा कहानी है हमारे फाउंडर की दातुक डॉक्टर लिम की ना डॉक्टर लिम ने डी की शुरुआत की 1993, 1993 में 1993 ये हम सभी जानते हैं है कि नहीं सारा लिटरेचर में तो यही मैमेंशन है 1993 में डी की शुरुआत हुई आप जहां भी सुनेंगे डी एक्सन तो स्टार्टेड है नाइनटीन लेकिन आपको मैं एक सच बोलता हूं आज 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 मैं आपको एक एक सच्चाई शेयर करना चाहूंगा कि डी की शुरुआत 1993 में नहीं हुई डी की शुरुआत हुई नाइनटीन में <laughs> लेकिन हम कहीं इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं कहीं पर भी क्यों नहीं कहते हैं कि डी की शुरुआत नाइन्टीन में हुई क्यों क्योंकि 1992 में कुछ भी नहीं हुआ एक भी प्रोडक्ट बिका नहीं कंपनी का <laughs> लेकिन कोर्स हम लोग शुरू तो 1992 में किए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ लेकिन सब समथिंग हैपन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन कुछ जरूर हुआ 1992 में जिससे हमें काफी अच्छी सबक और सीख मिली क्या हुआ 1992 में 1992 में एक ऐसा टाइम था जब डॉक्टर लिम अफकोर्स हम सभी जानते हैं डॉक्टर लिमिक ही इज एन इंजीनियर फ्राम खरगपुर आई आई टी खरगपुर से इंजीनियर हैं वहाँ से वो ग्रेजुएशन uh, हासिल करके उसके बाद वो मलेशियन गवर्नमेंट के साथ काम करने लगे और उनका इंजीनियरिंग में जॉब था लेकिन उनका दिल हर्ब्स के हर्ब्स की तरफ था uh, जड़ी बूटी और समझते थे कि यार झड़ी बूटी में जो गुण हैं यू नो ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द गुडनेस ऑफ दर्ब्स टू द होल वर्ल्ड और उसी में उनकी कोशिश थी इसलिए उन्होंने डी एक्सन की शुरुआत की लेकिन कुछ हुआ नहीं 1992 में 1992 में एक ऐसा टाइम था कि वो अपने लोगों के साथ अपने क्लोज पीपल अपने फ्रेंड्स अपने दोस्त अपने फैमिली अपने कलीग्स को बिठाए और उनको बताना शुरू किया कि मैं शुरू कर रहा हूँ डी एक्स और डी एक्स हम लोग एक वन वर्ल्ड वन मार्केट के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे अच्छा सिस्टम रहेगा हम एक वन ड्रैगन कंपनी सेटअप करेंगे जहाँ पर हम लोग गैनोडर्मा की आ, का कल्टीवेशन करेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसके बाद हम लोग दुनिया भर में बेचेंगे और ये ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आ, बेचने से पहले लोगों को बताना ज़रूरी होता है तो हम वर्ड ऑफ माउथ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेंगे तो आप लोग सब ज्वाइन हो जाओ और आप लोग सब मेरे पायनियर मेम्बर्स होंगे हम यहाँ से दुनिया भर तक ले जाएंगे प्रोडक्ट्स को तो यू ऑल गोन बी पायनियर्स आप लोग सब आपका फ्यूचर सब बहुत अच्छा रहेगा ज्वाइन मी दिस इज़ वॉट he डिड इन नाइनटीन नाइन्टी टू यही किया नाइनटीन नाइन्टी टू में और उस टाइम पे लोग सुनते तो थे उनको लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था कि डॉक्टर बता क्या रहे बहुत लोग भी समझते थे, थे कि यार उनका थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया है हाँ मे भी ज़्यादा कुछ पढ़ लिए हैं तो लोग समझ में आता क्योंकि लोग, लोग सोचते थे कि ये तो इंजीनियर हैं बाई बाई प्रोफेशन तो ये इंजीनियर है ये झड़ी बूटी के बारे में हेल्थ के बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं हमें समझ में नहीं आता था उस टाइम पे केवल ये 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 प्रोडक्ट्स थी आर जी एन जी एल कल ये प्रोडक्ट्स थे इसी इसी से शुरुआत की थी कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं आया था तो उस समय मीटिंग में टी ब्रेक हुआ करता था टी ब्रेक कॉफ़ी तो था नहीं टी ब्रेक था तो लोग टी पीने जाते थे और वहाँ से लोग घर जाते चले जाते थे वापस नहीं आते थे ब्रेक के बाद गायब सब खाली होता था किसी को विश्वास नहीं था और उस समय बहुत सारे उनके शुभ चिंतक लोग बहुत सारे थे जो उनको बहुत एडवाइस देते थे कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो तुमको डीएक्सन जो है उस पर फोकस मत करो वो तुम्हें फेलियर की तरफ ले जाएगा तुम्हारा तुम एक इंजीनियर हो इंजीनियरिंग पे ध्यान दो वही तुम्हारा फ्यूचर है बहुत लोग उनको एडवाइस देते थे बहुत लोग बहुत सारे शुभ शुभ चिंतक थे फैमिली में फ्रेंड्स में कलीग्स में लिम खुद कहते हैं कि बहुत लोग मुझे बहुत मेरे बारे में बहुत चिंता करते थे बहुत सारे उपदेश देते थे मैं उनके उनको मैं जरूर सुनता था लेकिन मैं वही करता था जो मैं करना चाहता हूँ क्यों क्योंकि मुझे अपने सपनों में बहुत विश्वास था मुझे अपने सपनों में बहुत विश्वास था मैं अपने सपनों में बहुत विश्वास रखता था लेडीज एंड जेलमेन ये था 1992 आज 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर इकतीस साल हो गए आज डीएक्शन जो है 180 से ज़्यादा देशों में है आज डीएक्शन जो है हमारे आ, 17 मिलियन एक करोड़ सत्तर लाख मेंबर्स हैं कंटिन्यूसली ग्रोइंग आज डीएक्शन जो है दुनिया भर में से 77 से ज़्यादा ब्रांचेस है सेवेंटी सेवन ब्रांचेस और मेनी मेनी मेन स्टॉक आज डीएक्शन जो है एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में हम लोग आज डी जो है बड़ी बड़ी फैसिलिटीज फैक्ट्रीज सेटअप कर रही है दुनिया भर में इंडिया में हमारे आर्ट फैक्ट्री इंडिया में अलोन आर्ट फैक्ट्रीज़ हैं मलेशिया में इतने सारे फैक्ट्रीज़ हैं चाइना में बड़ी फैक्ट्रीज हैं मोरक्को में फैक्ट्रीज़ हैं हमारे पेरू में फैक्ट्रीज़ है गयाना में फैक्ट्रीज है हमारे दुबई में फैक्ट्रीज है बहुत सारी लैंड कंपनी इट्स बिकम अ बिग बिग जॉन कंपनी टूडे क्यों पता है आपको क्योंकि ये व्यक्ति जो है ही बिलीव्ड इन इज ड्रीम ये अपने सपनों में विश्वास रखते थे ही होल्ड ऑन टू हिस ड्रीम क्या आप आप, आप, अपने, आप अपने सपनों में विश्वास रखते हैं yes. आपके सपने हैं? Yes. उसमें विश्वास है आपको yes. अपने आप में विश्वास है लेडीज एंड जेंटलमैन विश्वास जो है ना विश्वास ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जब तक आप किसी चीज में विश्वास नहीं रखेंगे ना यू कैनॉट परसू द थिंग विथ पैशन पैशन आता है विश्वास से मैं जानना चाहूंगा आपको डू यू बिलीव इन लिम आपको डॉक्टर में विश्वास है आपको डिएक्शन में विश्वास है कंपनी की मजबूती में विश्वास है कंपनी की स्टेबिलिटी में विश्वास है क्या आपको प्रोडक्ट्स में विश्वास है क्या आपको सिस्टम में विश्वास है प्लान में विश्वास है आपके सपनों में विश्वास है आपको अपने में विश्वास है डू यू बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज लेडीज एंड जेलमेन वेन अदर पर्सन कैन डू हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ yes. क्या वो कियाम कराउड एम्बेसिडर कैन आई बिकम एम्बेसडर लेडीज एंड जेलमेन ये आपका जो विश्वास है ये विश्वास, विश्वास विल टर्न आउट टू तो बी योर पैशन जुनून और यह जुनून बिजनेस में लाना बहुत 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 बहुत, बहुत जरूरी है जो भी जुनूनी लीडर है जुर्मिन उन, उनके उनके जो नेटवर्क है वो उनको अच्छा फॉलो करेंगे अगर आप जुनून से बिजनेस को आगे ले जाएंगे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो काम करते हैं लेकिन पैशन नहीं है उन, उनके उनके डाउनलाइंस में उनको फॉलो करने में थोड़ा हिंचाते हैं कि यार बंदे में पैशन नहीं है यू नो सो इफ यू लैक पैशन डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू हैव द पैशन अगर आप में जुनून नहीं है डोंट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू हैव द सेम जुनून सो so जुनून लाना बहुत ज़रूरी है और पहला इंग्रेडिएंट हमारा है वो है पैशन जुनून डू यू एग्री विथ मी सहमत है मेरे बात से yes. दूसरा सेकेंड इंग्रीडियंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं लव प्यार लव इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट प्यार प्यार क्या है बेसिकली हमारे फैमिली में हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं है कि नहीं आप सभी के बच्चे हैं और बच्चे जितने अच्छा करते हैं लाइफ में हमें उतनी खुशी होती है उतना गर्व महसूस होता है बच्चे अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं स्कूल में वो बड़ा होकर अच्छा नौकरी करता है उसकी अच्छी तरक्की होती है बिजनेस में या काम में और जो भी मंजिल हासिल करता है उससे हमें काफ़ी खुशी होती है वी फील सो हैप्पी वी फील सो सेटिसफाई वी फील यू नो एक इमेंस एक यूनिक सेंस ऑफ प्राइड हमें हासिल होता है क्यों वाई बिकॉज वी लव आवर किड्स एक अनकंडीशनल लव है दर इज एस दैट दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फैक्टर वाई यू फील सो प्राउड वाई फील सो हैप्पी वो सेम जो फैक्टर है लव आपके जो फैमिली में है वो उसे आपको आपके बिजनेस में लेके आना पड़ेगा आपके नेटवर्किंग में लेके आना पड़ेगा आपके जो नीचे जो नेटवर्क है वो भी आपके बच्चे ही हैं और हमारा जो प्लान है ना वो प्लान आधारित है लव पे इज बेस्ड ऑन लव आप आपके नीचे जो लोगों को ग्रो करेंगे और छह स्टार एजेंट्स को तैयार करेंगे प्यार से मोहब्बत से आप क्या बनोगे डायमंड बन जाओगे आप एक दस को तैयार करोगे नीचे प्यार मोहब्बत से <laughs> क्या बनोगे आप क्राउन डायमंड बीस लोगों को तैयार करोगे क्या बनोगे ये बात लोगों को समझ में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को डर लगता है कि नीचे वाला लोग ग्रो हो रहा है मैं हूँ डबल डायमंड और मेरे नीचे तो वो तो स्टार रू भी था लेकिन देखो डायमंड बन गया अभी अभी देखो वो सीनियर डायमंड बन गया कल तो डायमंड डबल डायमंड बन जाएगा परसों तो ट्रिपल डायमंड से आगे निकल जाएगा इससे लोगों को बेचैनी होती है दे शुड नेवर बी वरीड हमारा हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारे लोगों को एवरी लाइन वी ग्रो दम एंड यू ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विदम वो सक्सेसफुल होंगे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अगर वो रूबी से डायमंड बनता है वो डायमंड से ट्रिपल डायमंड बनता है इमेजिन उसका जो ग्रुप प्रोडक्टिविटी है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है मतलब आपको जो तो इनकम मिलना चाहिए उसके उसके कई गुना ज्यादा आपको इनकम मिलेगा तो यू मेक दम सक्सेसफुल यू बिकम मोर सक्सेसफुल कल को अगर आप क्राउन एम्बासडर बन गए और आपके नीचे जितने हैं उनको सबको क्राउन एम्बासडर बना दें अन इमेजिनेबल इनकम आएगा आपको आपको आइडिया भी नहीं है किस तरह का इनकम आएगा आपको आपका मकसद हमेशा रहना है क्या कि लोगों को ग्रो करना है नीचे से और डायमंड बनाने का क्वालिफाई करने का डायमंड बनाने का क्वालिफाई कराने का लोगों को विथ लव और लव इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट और लव आपको आपके बिजनेस में लेके आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल बिकॉज यू मेक दम सक्सेसफुल यू बिकम मोर सक्सेसफुल समझ रहे हो उनको आप पैसा बनाना दिखा दिखा रहे हो आपका और ज़्यादा पैसा बनेगा यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल सो लव इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट और ये रहा हमारा सेकेंड नंबर वन क्या रहा पैशन नंबर टू इज लव एंड नंबर थ्री इज कॉल्ड विशन दृष्टि दृष्टि यू नो जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो भी आज आप देखेंगे कि दे हैव अर्निंग ह्यूज ह्यूज इनकम इन द कंपनी दे हैव अचीव्ड सर्टन लेवल्स इन द कंपनी उनकी दृष्टि आप देखो काफी दूर की दृष्टि है उन्होंने फ्यूचर देख लिया है कंपनी में उनके बच्चों का उनके बच्चों का फ्यूचर उन्होंने देख लिया कंपनी में इसका मतलब क्या है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ विजन एक्चुअली कुछ साल पहले एक ऐसे मीटिंग में डॉक्टर लिम प्रोसाइड कर रहे थे भाषण दे रहे थे और एक व्यक्ति ने डॉक्टर लिम से सवाल किया उन्होंने कहा उन्होंने पूछा कि डॉक्टर डॉक्टरलिम इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनीज़ हैं आप किस तरह डी एक्सन को उस कंपनी से कंपेयर करोगे हाउ डू यू कंपेयर डी एक्सन विद कंपनीज इन द मार्केट बहुत सारी कंपनीज़ हैं तो डॉक्टर लिम कविकॉर्ड मज़ाक भी कर लेते हैं तो उन्होंने <laughs> मजाक के तौर पर कहा है कि हाँ इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज़ हैं इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिसको हम लोग तीन साल का कंपनी कहते हैं तीन साल का कंपनी मतलब ये जो कंपनीज हैं इंडस्ट्री में ये प्रोग्राम किया गया है टू लास्ट ओनली फॉर थ्री इयर्स तीन साल तक टिकने का प्रोग्राम बनाया बनाए बना इस कंपनी ने उसका मतलब है कि तीन साल में ये कंपनी शुरू करती है कुछ जादू वादू दिखाती है तो उनका बेसिस बेस बिजनेस आगे बढ़ता है और बढ़ता है बढ़ता है एक ऐसा टाइम पे आ जाता है कि बस लोगों को उनकी जादू में मज़ा नहीं आ रहा है तो लोग छोड़ना शुरू करते हैं कंपनी और कंपनी गिरना शुरू करता है उसके बाद गिरते रहता है गिरते रहता है गिरते रहता है और गिर के एक दिन टूट के बिखर के तबाह हो जाती है ख़त्म हो जाता है और लोग उसे भूल भी जाते हैं ये सब कुछ होता है तीन साल में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं तीन साल का कंपनी कहते हैं हम लोग उसे डी एक्सन जो है वो तीन साल का कंपनी नहीं है डी एक्सन सिस्टम जो है दैट इज़ मेड टू लास्ट फॉर मोर देन थ्री जनरेशन्स तीन जेनरेशन से ज़्यादा ठिकने वाली अबीन यू नो सिस्टम को तैयार किया गया वो है डी आपके लिए आपके बच्चों के लिए उनके बच्चों के लिए उनके बच्चों के लिए उनके बच्चों के लिए और जनरेशन टू कम दैट इज वॉट इज डी एक्सन देखिए आप ट्राई टू अंडरस्टैंड आज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज दर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना फैसिलिटी सेटअप करना एक्सपैंड कराना दिस इज वॉट डी एक्सन फोकस इज राइट नाउ ये किसके लिए है आज हमने एक बहुत बड़ी तेलंगाना फैसिलिटी सेटअप की इंडिया में आप देख कितने लोग देखे तेलंगाना पाए तो भाई बहुत सारे लोग देखें आप सभी को देखना चाहिए आपकी फैक्ट्री है ऐसे आठ फैक्ट्रीज है इंडिया में एट फैक्ट्रीज तेलंगाना किस लिए कर रहे हैं हम लोग इट्स नॉट ओनली फॉर यू इट्स फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन टू कम आपके बच्चों के लिए उनके बच्चों के लिए उनके बच्चों के लिए इट्स टू सिक्योर डी एक्सन इज अ कंपनी दैट इज हियर टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन आज आप जो काम करेंगे आज आपको इनकम हासिल करेंगे वो इनकम एक दिन सा हमेशा सभी को एक दिन जाना पड़ेगा लेकिन जब हम जाएंगे वो इनकम हम लोग पास ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ जनरेशन आपके बच्चों को यू एम बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जो लोग काम किए हैं अच्छे इनकम उनका बट फॉर अनफॉर्चुनेट रीजन और फॉर फॉर ओल्ड एज दे पास हु इज हुइंग दैट इनकम द फैमिली द चिल्ड्रन इज एनजॉइंग दैट इनकम आप समझ रहे मेरी बात सो डी एक्सन इज अ कंपनी दैट इज हॉर एवर फॉर एवर फॉर द एंटायर जनरेशन अंडर यू ये आपको एक विजन होनी चाहिए दृष्टि होनी चाहिए बहुत लोग कहते हैं कि यार ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें जंप करके दूसरे जंप कंपनी में जंप करना का होता है क्योंकि उनको इनकम हासिल करना होता है DXN हम कहते हैं डी एक्सन इज़ अ लास्ट डेस्टिनेशन आखिरी डेस्टिनेशन है यहाँ पर जो आएंगे तो आप यहीं काम करेंगे बिकॉज आपका जो फ्यूचर है वो सेटअप यहीं पर होगा आप समझते हो मेरी बात को समझ रहे हो मेरे बात को yeah. विजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट दृष्टि एक बहुत ही बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट है तो क्या रहा हमारा पहला इंग्रीडियंट क्या रहा नंबर वन पैशन नंबर टू लव नंबर थ्री नंबर फोर कॉल्ड इंडिपेंडेंट मतलब है आत्मनिर्भर होना <laughs> अगर आपको सक्सेसफुल होना है ये सारे जितने लोग सक्सेसफुल हैं सारे जितने लोग हासिल किए हैं फ्रीडम हासिल किए हैं लाइफ में ये लाइफ ये बिज़नेस में आत्मनिर्भर है मतलब ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है ये अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट नहीं है ये कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है ये क्रॉस लाइन पे डिपेंडेंट नहीं है ये बहुत ही जल्दी शीघ्र समझ चुके हैं कि क्या बिज़नेस क्या है प्लान समझ चुके हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कैसे प्रेजेंट करना समझ चुके हैं यू नो कंपनी के बारे में समझ चुके हैं बी एक्स कल्चर क्या समझ चुके हैं और ये जानकारी ये अपने आप आत्मनिर्भर हो आगे ले जाते हैं इंडिपेंडेंट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज जो भी लीडर्स हैं सक्सेसफुल लीडर्स हैं हम उनको कहते हैं ने, हम उनसे सीखते हैं कि ये लोग सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि ये बिज़नेस को ईजिली आगे डुप्लीकेट करना सीख चुके हैं लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं और एक डायमंड बन जाते हैं उसके बाद वो तब तक सीखे नहीं कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है बिज़नेस को कैसे मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंट किया जाता है कैसे कंपनी को आगे बताया जाता है कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं कैसे गैनोथरापी के बारे में प्रेजेंट लेते हैं तो वो एक कॉल रिसीव करते हैं अपने डाउनलाइन से कहते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ पर बीस लोग हैं आप आओगे हमारे मीटिंग लेने के लिए तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने अपलाइन को कॉल करते हैं बोले कि मेरे डाउनलाइन में बीस लोग इंतज़ार कर रहे हैं मीटिंग के लिए आप आके एक मीटिंग लो तो अपलान कहता है कि मेरा टाइम तो बिजी है मैं शायद इस महीने तो आ नहीं पाऊँगा अगले महीने सोचता हूं तो इमीडिएटली वो कॉल करता है कंपनी को और कहता है कि मेरे 20 लोग इंतज़ार कर रहे हैं आप आके एक मीटिंग लो तो कंपनी कहता है कि मेरा बजट तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है इस महीने का अगले महीने भी यूज है उसके अगले महीने सोचते हैं सवाल ये है कि आप क्या इंतज़ार करोगे आपके अपलान का कंपनी का मीटिंग के लिए या फिर आप इमीडिएटली जाके मीटिंग लोगे उनका क्या पता हो बीस में से दो डायमंड निकल जाए हु नोस न वाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट आप आत्मनिर्भर नहीं हो यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंस इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है जितना जल्दी आप सीख जाओ वॉट इज द बिजनेस जितना जल्दी आप सीख जाओ हाउ टू प्रेजेंट द मार्केटिंग प्लान जितना जल्दी आप सीख जाओ हाउ टू यू नो प्रेजेंट द प्रनोथेरापी या डीएक्स एंड कल्चर जो भी हमारे बेसिक मॉड्यूल्स हैं उतना जल्दी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा अदरवाइज आपका सक्सेस जो है वो स्लो हो जाएगा आज जो भी लीडर्स हैं ना जो भी सक्सेसफुल हैं ये लैटिन मार्केट में मैंने देखा है एज सुन एज दे ज्वाइन, उनका पहला काम क्या रहता है टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है ऑन द बेसिक मॉड्यूल्स जो भी सिक्स बेसिक मॉड्यूल सेवन बेसिक मॉड्यूल्स हैं हर रीजन में ऑर्गेनाइज करती हैं और ये बेसिक मॉड्यूल्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं समझते हैं हर एक प्रेजेंटेशन हर एक मॉड्यूल कैसे प्रेजेंट करने का है उसको मॉड्यूल हासिल होता है उसके बाद वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उसके बाद किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है आज देखा जाता तो दे डू देवरी डे किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है कंपनी से एक पैसा बजट नहीं लेती है अप्लाइंट को तकलीफ नहीं देती है खुद अपना मीटिंग्स खुद लेती है दे डू इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट लीडरशिप ये सब आप देख रहे हैं दिस आर कॉल्ड दिस आर कॉल्ड क्वार्टरली कॉन्वेंशन हर तीन चार महीने में हजार दो हज़ार का कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम एनी बडी जो भी लीडर्स हैं लोकल लीडर्स हैं एक साथ हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कौन आएगा कौन स्पीकर रहेगा कहाँ पर अरेंजमेंट रहेगी कौन कौन सा वेन्यू रहेगा एंड दे ऑर्गेनाइज इट एंड दे स्टार्ट सेलिंग टिकट्स ऑल्सो एंड दे ऑर्गेनाइज दिस कॉन्वेंशन और ये नहीं है कि साल में एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं हर तीन चार महीने में कंटिन्यूसली दे ऑर्गेनाइज इट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर एक खत्म हो गया तो दूसरा कॉन्वेंशन के लिए दोबारा तैयारी करते हैं वो खत्म हो गया तो तीसरा कॉन्वेंशन दोबारा तैयारी करते हैं उसके बाद अगला कॉन्वेंशंस ये कॉन्वेंशंस तो बड़े बड़े स्केल में हो रहा है लेकिन उसके अलावा उन लोग डेली मीटिंग्स करते हैं डेली सेंटर से मीटिंग होता है डेली लीडर सेंटर से मीटिंग होता है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर होके अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मीटिंग्स करने पड़ेंगे आप रेडी हो उसके लिए आई यू रेडी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली देन हम लोग कंपनी आते हैं तो हम लोग बात करके जाते हैं प्रेजेंटेशन होता है इसके अलावा आपको भी इंडिविजुअल मीटिंग्स करने पड़ेंगे डेली मीटिंग्स वीकली मीटिंग्स डेली मीटिंग्स अफकोर्स बीस लोग चालीस लोग होता है हर एक जगह पर वीकली मीटिंग्स जो होता है वो करीबन होता है सौ दो सौ लोग होते हैं क्वार्टरली मीटिंग्स होता है आई मीन सॉरी मंथली मीटिंग्स होता है एक पाँच सौ लोगों का मीटिंग्स करते हैं हम लोग क्वार्टरली मीटिंग्स हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार अभी तो यहाँ पर हर क्वार्टर में मीटिंग होता है करीबन तीन चार हज़ार रिसेंटली हमारे हमारे पेरू से भी हमारे महाराष्ट्र लीडर्स को इनवाइट किया था वहाँ पर टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्वेंशन और कंपनी ने नहीं कॉल किया उनको <laughs> किसने कॉल किया आपको हाँ लीडर हमारे लीडर ने कॉल किया वो खुद उनको बुलाएंगे अरेंज करेंगे उनका स्टे उन, उन, उनका 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 ट्रैवल टिकट एवरीथिंग इज़ बीन अरेंज बाय द लीडर्स इंडिपेंडेंटली कंपनी से एक पैसा भी नहीं पूछेंगे आप समझ रहे हो मेरी बात आज देखा जाता है उनका इनकम क्या है कितना इनकम बनाते हैं उन लोग दे आर मिलियनर्स मिलियनर मतलब यूएस डॉलर मिलियनर हैं तो वन मिलियन कितना होता है आपका एक मिलियन कितना होता है कितना होता है वन मिलियन दस लाख होता है वन मिलियन डॉलर्स इंडियन रुपए में कितना होता है huh? <laughs> Every month, these people are earning $100,000. they are earning 80 lakhs, lakh 80 Average. They're ranging from around 20 lakhs to 30 lakhs to 40 lakhs. I'm talking rupees. 50 lakhs. They are, you know, earning 80, 80 lakhs. और कैसे income? Independence. Aap kisi pe ho, kisi pe aap dependent ho, आपका ग्रोथ आपका सक्सेस जो है वो काफी डिले हो जाएगा क्यों क्योंकि आप डिपेंडेंट हो बट इफ यू आर इंडिपेंडेंट इफ यू आर सेल्फ रिलायंस यू नो वॉट यू डूइंग एंड यू नो वॉट टू डू आप खुद आगे बढ़ रहे हो को किसको बुलाना है कैसे अरेंजमेंट करने का है कि कमिटी फॉर्म करने का है सब एक साथ हो जाते हैं सब सब काम में शुरू करते हैं एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस पे सब का ग्रोथ होगा इनकम होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा सबका प्रोडक्शन बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा एंड एवरीबडी विल स्टार्ट टू ग्रो सो दे आर लिटरली अलियनयर इन दिस बिजनेस ऑलरेडी बहुत सारे लोग आई मीन देर टू देर आर मैनी मेनी पीपल हव अर्निंग ह्यूज इनकम अगर वो कर सकते हैं तो हम इंडिया में उनसे बेहतर कर सकते हैं डू यू एग्री विथ मी अगर वो कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में उनसे बेहतर कर सकते हैं वी हैव मोर पोटेंशियल देन वॉट दे है बस हमें समझना चाहिए कि क्या जरूरी है इंडिपेंडेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट की टू बिकम सक्सेसफुल सो क्या रहा हमारा पहला इंग्रेडिएंट क्या रहा बहुत बताओ पैशन जुनून नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होना सेल्फ रिलायंस होना और आखिरी जो इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं हम लोग एटीट्यूड नजरिया यू नो एटीट्यूड एटीट्यूड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीडेंट लेकिन वॉट इज एटीट्यूड लोग पूछते हैं क्या एटीट्यूड क्या है नजरिया मतलब क्या होता है और मैं उनको कहता हूँ एटीट्यूड इज एवरीथिंग सब कुछ है वो एटीट्यूड है एवरीथिंग एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन दिस बिजनेस फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन आपके पास अच्छा नॉलेज है किसी फील्ड में यू आर स्पेशलाइज इन सर्टन एरिया आप एक अच्छे ट्रेनर हो अच्छे स्पीकर हो यू हैव सम्पेसिफिक क्वालिटीज और समथिंग एरिया यू आर वेरी गुड लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अगर खराब रहे आई एम सॉरी सक्सेस इज नॉट फॉर यू यू आर नॉट गोन बी सक्सेसफुल अगर आप सक्सेस हो भी जाते हो आपका सक्सेस टिकेगा नहीं ज्यादा बिकॉज एटीट्यूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन सिंपल वर्ड्स एटीट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इट इज़ अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू वर्ड्स अ सर्टन आइडिया ऑब्जेक्ट पर्सन और सिचुएशन अगर आपके सामने कोई कोई आइडिया रखता है या चलो मान लेते हैं कंपनी आपके सामने एक आइडिया रखती है आपका नज़रिया क्या रहेगा उस आइडिया लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगर कंपनी आपके सामने कुछ है चलो ये करते हैं इसमें आपकी भलाई है आपका नज़रिया क्या रहेगा उस पर बहुत लोग कहेंगे चलो यार कंपनी डी एक, एक आइडिया हमें बता रही है करने के लिए कंपनी तो इट्स अ वेरी बिग कंपनी हाँ तीस साल का कंपनी है बहुत लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुका है बहुत लोगों का ज़िंदगी बदल चुका है बदल दिया कंपनी ने चलो कंपनी हमें भी एक आइडिया बता रही है कि हमारी भी लाइफ बदलेगी मान लेते हैं समझ लेते हैं चलो करना शुरू करते हैं है कि नहीं बोलो नहीं। ये एक नज़रिया है इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड एक दूसरा एक नज़रिया है हम ज़्यादा सोचते हैं उस आइडिया पे ज़्यादा <laughs> टाइम बिताते हैं उसको उ, उसके बारे में प्रॉस एंड कॉन्स इस, इसकी इसकी इस, इसका बेनिफिट क्या होगा इसका डिसएडवांटेज क्या होगा इसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसको लेके क्या क्या इम्पैक्ट uh, हो सकता है बहुत उसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं डिस्कस करते हैं सोचते हैं डाउट करते हैं और अपना समय बहुत वेस्ट भी करते हैं ये दूसरा नज़रिया है तो एक रहा पॉजिटिव दूसरा तरह दूसरा नेगेटिव और लेट मी टेल यू एटीट्यूड जो नज़रिया है आपका इट्स अ चॉइस इट इन्फ्लुएंस एन एंड चॉइस ऑफ एक्शन इट इज़ अ चॉइस यू कैन चूज टू बी पॉजिटिव यू कैन चूज टू बी नेगेटिव मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ यू नो वन ऑफ द रीजन वाई पेरू या बोलीविया छोटी छोटी देश है जो नंबर वन पर है कंटिन्यूसली ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स पेरू इज लाइक वन ट्वेंटी करोर्स बोलिविया कितना है करीबन साठ सत्तर करोड़ हर महीने बना रही है मैक्सिको भी उतनी बना रही है कारण क्या है कोर्स वी ऑलरेडी नो फाइव इंग्रेडिएंट्स हमें समझ चुके हैं पांच इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट आइडिया वहाँ पर लॉन्च किया गया था पेरू में बोलीविया में मेक्सिको में लाटिन अमेरिका में जिसको हम कहते हैं थ्री थाउजेंड पी पी वी तीन हजार पीपी वी हमने लॉन्च किया था और ये लॉन्च करने के बाद हमने एक ड्रामेटिक चेंज देखा बिजनेस में कोर्स लोग तो काम कर रहे हैं लोग मेहनत कर रहे हैं लोग लोग अपने सिस्टम में फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं लेकिन तीन हज़ार पी करने के बाद हमने एक ड्रामेटिक चेंज देखा उनके नेटवर्किंग में उनके ग्रोथ में उनके प्रोडक्टिविटी में और लोग काफ़ी उनका इनकम भी काफ़ी बढ़ने लगा स्टेटस लेवल्स भी काफ़ी ऊंचा गया मैं दिखाना चाहूँगा आपको मैं ये शुरुआत की हमने मेक्सिको से 2011 में शुरू की 3000 थाउजेंड पी लॉन्च किया 2011 में उसके बाद मेक्सिको जब लॉन्च किया था तो बताने के लिए कुछ नहीं था कि हमने यहाँ लॉन्च किया था अच्छा रिजल्ट आया था मेक्सिको मैक्सिको फर्स्ट कंट्री वी लॉन्च तो टाइम लगा लोगों को बताने में लेकिन उसके बाद जब लोगों को समझ में आ गया बिजनेस आर टू तो ग्रो एंड इट सर टू क्लाइंब अप लाइक एनी थिंग एक्चुअली लोगों तो का इनकम ग्रो होने तो लगा स्टेटस ग्रो होने तो लगा प्रोडक्टिविटी ग्रो होने लगा एंड मैक्सिको तो बिकेम नंबर तो वन तो उस टाइम पे उसके बाद हमने लॉन्च किया बोलीविया और पेरू में बोलीविया में तो लॉन्च करते ही पिकअप हो गया क्योंकि ऑलरेडी उनको पता था रिजल्ट क्या था मैक्सिको में तो लॉन्च करते ही इज सारा टू यू नो क्रिएट द वेव उसके बाद बोलीविया बिकेम द टॉप उसके बाद उसी टाइम पे हमने पेरू का भी लॉन्च किया था 3000 थाउजेंड आप देख सकते हैं इमीडिएटली एंड पेरू अभी नंबर वन है बोलीविया नंबर टू पे है मेक्सिको नंबर थ्री पे है ये दिस इज अ चार्ट बिहाइंड यू नो द सक्सेस ऑफ दिस थिंग तो हम लोग कहते हैं कि लोग इस तरह काम करते हैं पैशन के साथ काम करते हैं अच्छे एटीट्यूड के साथ काम करते हैं प्यार के साथ काम करते हैं अच्छी विजन है उनकी इंडिपेंडेंट में काम करते हैं साथ साथ उन लोग फॉलो करते हैं तीन हज़ार हर महीने लेकिन हमने जब लॉन्च किया है, लेडीज एंड जेलमेन लॉन्च थ्री थाउजेंड पी हम लोगों को बहुत कुछ बताते थे बहुत कुछ बताते थे सब, सब पहला चीज हम लोग बताते हैं कि आपको आपके बिजनेस में वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स आप नेटवर्किंग में क्या फेस करते हो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव आप नेटवर्किंग बिजनेस करते हो आप आपके रोज आपका टेंशन क्या रहता है क्या रहता है टेंशन आपका हाँ हाँ पी बनेगी कैसे बनेगी लेकिन उस, उससे उससे बेसिक रीजन क्या है हाउ टू ग्रो योर मनी हाउ टू ग्रो योर बोनस ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है और इस बिजनेस में अगर आपको बोनस ग्रो करना है आपको इनकम ग्रो करना है क्या है तो आपको एक तीन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है स्टेटस प्रमोशन है ना मतलब आप स्टार एजेंट रह के आप आप क्राउन डायमंड का इनकम तो नहीं सोच सकते हैं ना क्राउन डायमंड का इनकम करने के लिए आपको क्राउन डायमंड तो बनना पड़ेगा है कि नहीं तो इसके लिए काम करना पड़ेगा स्टेटस को प्रमोट करना पड़ेगा उसके लिए काम करना पड़ेगा राइट नंबर वन स्टेटस प्रमोशन और दूसरा चीज़ क्या है प्रोडक्शन हाँ अगर आप क्राउन डायमंड हो लेकिन आपका प्रोडक्ट product, प्रोडक्शन जो है वो एक डायमंड की तरह प्रोडक्शन हो तो आपको इनकम भी डायमंड की तरह मिलेगा अगर आपको क्राउन डायमंड को बन गया और क्राउन डायमंड की इनकम चाहिए तो आपको क्राउन डायमंड का प्रोडक्टिविटी रखना ज़रूरी है है कि नहीं बोलो तो लोग यूज़ करते हैं सेल करते हैं मूव करते हैं मूव में दर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी होता है ग्रुप में तब जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ता है उसके लिए एक्टिविटीज़ करना जरूरी इवेंट्स करना जरूरी है लोगों को लोगों से बात करना जरूरी है लोगों तक तो बिजनेस पहुँचाना जरूरी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो प्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस अब प्रोडक्शन जब तक नहीं रहेगा तब तक बोनस आपका ऊपर नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटस प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और तीसरा एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में जो बहुत लोग नहीं समझते हैं वो है क्वालिफिकेशन <laughs> आप स्टार एजेंट हो आपको स्टार एजेंट क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपके नीचे अगर स्टार एजन उनको भी क्वालीफाई करना पड़ेगा है कि नहीं बोलो yeah. आप डायमंड हो क्वालिफाइड दा, दा, डायमंड हो स्टार डायमंड हो कोई भी हो तो आपको डायमंड क्वालिफिकेशन भी है है कि नहीं बोलो वेरी सिंपल क्वालिफिकेशन नॉट डिफिकल्ट सिंपल क्वालिफिकेशन है लेकिन आपके नीचे भी जो डायमंड्स हैं उनको भी आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे तब जाके आपका बोनस आगे बढ़ेगा तो बोनस इज डिपेंडेंट ऑन थ्री फैक्टर्स स्टेटस प्रमोशन प्रोडक्शन और क्वालिफिकेशन अब हर महीने आपको ये तीन चीज़ पर ध्यान देनी पड़ेगी नहीं बोलो इसका एक उपाय है इसका एक सॉल्यूशन है अगर आप एक चीज पे ध्यान दें तो आपको ये हासिल आराम से हो जाएगा एंड इज वेयर वी ट्राई टू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ 3000 थाउजेंड अगर आप 3000 थाउजेंड करते हैं और आपके नीचे जो लोग हसता रहे जिनसे उनको बोलते हैं थ्री करने के लिए तो आपको ये तीन ये जो जो तीन फैक्टर्स हैं उसका आसानी से आपको उपाय मिल जाएगा तीन हजार पी क्या है इज अ सिंपल थिंग अभी तो हमारे प्लान में है कि आप स्टार एजेंट जब बनते हो आपको बनानी पड़ती है हज़ार पीपीवी है, है कि नहीं और बाकी हम लोग कहते हैं कि बाकी जो दो हज़ार है आप बोरो कर सकते हैं आपके डाउनलाइन से जो नॉन स्टार एजेंज उससे हम इनमें से एक छोटा सा एक चेंज लेकर आए हम यही कहते हैं कि इंशुरा वन थाउजेंड आप बनाते हो आप इसके अलावा आप थी, तीन तीन हज़ार खुद बनाइए हैं आपका नहीं और थ्री थाउजेंड पी जी करना है तो बाकी दो हज़ार दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो आप दो हज़ार भी खुद करो थ्री थाउजेंड जस्ट डू इट योर सेफ अब इंडिया में कितनी प्रोडक्ट्स हैं अस्सी से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं अब इसमें से केवल अराउंड इतने सारे प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रही हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स इसमें से आप अराउंड पाँच छः प्रोडक्ट्स महीने में यूज़ करेंगे आपका आराम से तीन हज़ार हो जाएगा और तीन हज़ार पी आप करेंगे आप करेंगे आप स्टार एजन करेंगे और आपके नीचे जितने लीडर्स हैं स्टार एजेंट्स हैं अब उनको भी बोलिंग करने के लिए प्रमोट करेंगे पॉजिटिवली प्रमोट करेंगे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा आपका इनकम बढ़ेगा क्वालिफिकेशन बढ़ेगा और आपका बोनस आगे बहुत अच्छी तरह बढ़ना शुरू करेगा और आपका स्टेटस भी बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन सिंपल सी लॉजिक है प्रोडक्टिविटी आप मल्टीप्लाई करोगे आपका बोनस भी मल्टीप्लाई होगा अच्छी तरह तो जब हम ये बात करते थे मेक्सिको में पेरू में तो बहुत लोग समझते थे इसके बारे में बहुत लोग जान जान गए थे ठीक है चलो करते हैं क्या प्रॉब्लम है डी एक्सन अभी तक तो अच, अच्छा ही बताया हमें तो आगे भी अच्छा ही बताएगा तो चलो फॉलो कर लेते हैं अच्छे एटीट्यूड से उन लोग शुरू कर शुरू यू नो शुरू किए इसको लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग इसको समझते नहीं थे <laughs> उनको समझने में थोड़ा तकलीफ था तो उन लोग बहुत सारे सवाल उठते उठाते थे तो हम उनको समझाते थे फिर भी ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं मुझे याद है एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने मुझे पेरू के प्रोविंस से एक बड़ा सा ईमेल लिखा बड़ा सा ईमेल, बड़ा रंग बिरंगा ई था वेरी कलरफुल ई उन्होंने बताया मुझे कलरफुल ई इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स हैं ग्राफ्स वगैरह हैं बहुत सारे कलर दिया है उसमें वो व्यक्ति बस इतना बताने का कोशिश कर रहा था मुझे कि ये 3000 हजार जो है ये एक, एक, एक गलत डायरेक्शन है आप इसे पेरू में इम्प्लीमेंट मत करो क्योंकि ये बिज़नेस को बर्बाद कर देगा सारे लोग छोड़ देंगे बिजनेस और डीएक्शन क्लोज हो जाएगा पेरू में तो ये बताने का कोशिश कर रहा था मुझे थ्रू द ई बहुत लंबा ई था मैंने उस ईमेल को रिप्लाई नहीं तो नहीं दिया मैंने ऑफिस से कहा कि उसे बुलाओ ऑफिस में मैं बात करना चाहूँगा उससे तो ऑफ़िस ने उनको बुलाया और वो व्यक्ति मेरे ऑफिस आए एक एकदम मोटा फाइल लेकर आए एकदम मोटा फाइल <laughs> वो तो फाइल लेकर आए और सीधा मेरे टेबल पर रख दिया फेल फाइल बोले तो कि मिस्टर प्रजीत आप इस फाइल को खोल के देखिए इस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है हाँ जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ सब लिखा हुआ है आप प्लीज़ ये तीन हजार को पेरू में लॉन्च मत करो ये बिजनेस को ख़त्म कर देगा सब सब बंद हो जाएगा यहाँ पर मेरे सारे लीडर्स मेम्बर्स सब छोड़ देंगे आप ये फ़ाइल खोल के देखो इसे सब कुछ मैंने बताया है तो मैंने वो बोला कि मैं फ़ाइल तो नहीं खोल रहा हूँ मैं बस इतना जानना चाहूँगा तुमसे कि क्या तुम इतना कुछ कह रहे हो इस प्लान के बारे में इस सिस्टम के बारे में क्या तुम इसका इस्तेमाल किया है क्या मीन हैव यू ट्राइड इट ऑलरेडी हाँ ट्राई करके तुम अगर फेल हो गए हैं फेल हो गए हो तो ठीक है मैं समझता हूँ कि हाँ तुम्हारे बात में कुछ दम है मैं तुमसे बात कर सकता हूँ चर्चा कर सकता हूँ इस बारे में लेकिन तुमने तो शुरू भी नहीं किया कैसे शुरू करेगा हमने तो लॉन्च भी नहीं किया था हम तो खाली उसके बारे में चर्चा कर रहे थे yet. तो तुम बिफोर इवन ट्राइंग यू जम्प टू अ कंक्लूजन कि ये एक तो फेलियर है आइडिया ही फेलियर है विदाउट इवन ट्राइंग तो मैंने बोला कि यार एक बार हम लोग शुरू करते हैं उसके बाद ज्यादा नहीं बस एक छ महीना ट्राई करो प्रमोट इट यू डू इट योर सेल्फ एंड मेक एवरीबॉडी डू इट उसके बाद छः महीने के बाद तुम आओ हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं ये फाइल लेकर आओ फाइल खोल के मैं देखूंगा अभी क्या है इसमें फाइल लेकिन अभी मैं देख के फ़ायदा क्या है अभी तो हमने लॉन्च भी नहीं किया है और हम किस बेसिस में एक दूसरे से बात करेंगे तो मैंने उनको रेस्पेक्टफुली कहा कि भाई साहब जाइए गो बैक एंड स्टार्ट डूइंग दिस टॉक अबाउट इट टू योर पीपल अपने लोगों से बात करो चर्चा करो एंड मेक एवरीबडी डू इट छः महीने तक छः महीने के बाद आप मुझे आके मिलो तब बात करते हैं इसके बारे में तो वो फाइल लेकर चले तो गए और छः महीने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था उन, उनका एटलीस्ट एक कॉल या ईमेल का उन्होंने ना कॉल किया ना ईमेल किया मुझे लेकिन एक साल के बाद वो मुझे एक ईमेल मेल एक छोटा सा ईमेल था उनका बहुत छोटा सा इस इस बार एक लंबा छोड़ा ईमेल नहीं था छोटा सा ईमेल था और उस ई में बस यही बता रहे थे कि थैंक यू डी थैंक यू डॉक्टर लिम फॉर इंट्रोड्यूसिंग थ्री थाउजेंड पी 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 <laughs> <laughs> ये 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 ऐसी एस, स्टोरी में कभी भूलूंगा नहीं स्टोरी को मैं बहुत लोगों से बताता हूँ ये स्टोरी <laughs> बहुत छोटा ही मिलता है थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग थ्री थाउजेंड पीपीवी थ्री थाउजेंड पीपीवी आपने लॉन्च किया उसका इंपैक्ट काफी अच्छा हुआ में मेरे सारे स्टार एजन अभी बहुत खुश है उनकी इनकम ग्रो हो रही है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स uh, uh, भी इंपैक्ट हो गए हैं हमारा सबका नेटवर्किंग सब लेवल्स ऊपर उठ रहा है मेरा भी लेवल काफी ऊपर उठा मेरा भी बोनस काफी अच्छा गया और जो चीज से मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ वो यह है कि बिकॉज ऑफ थ्री थाउजेंड मैं पहली बार मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई कर गया बिकॉज ऑफ थ्री थाउजेंड मैं और मेरी बीवी पहली बार हम लोग मलेशिया देखेंगे है? तो <laughs> बहुत खुश था वो व्यक्ति बहुत ही खुश था सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये तीन हज़ार पी पी वी के जो हैं दिस इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन वेरी गुड आइडिया जो हमने कुछ मार्केट्स में लॉन्च किया और हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए और हम चर्चा कर रहे हैं कि हम क्या इसे इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं या नहीं आपको क्या लगता है चो, नहीं डिसीजन दि, दि, हम नहीं लेंगे डिसीजन आपका रहेगा है? हम तो खाली बताएंगे आपको कि हाँ ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ये कारण है लेकिन डिसीजन जो है वो आपका है आप सहमत हो हम थ्री थाउजेंड पी वी लॉन्च करेंगे यहाँ पर कितने लोग सहमत हो गिव योर सेल्फ ए बिग बिग राउंड ऑफ़ लेडीज एंड जेंटलमैन और आप सहमत हो डिसीजन आपका रहेगा और आपको आपका सुझाव आपके लीडर के द्वारा आपके मैनेजमेंट तक पहुँचाई और मैनेजमेंट विल डिसाइड कि कब लॉन्च करने का है दिस इज अ वेरी गुड डायरेक्टिव मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर ये पाँच तत्व से और ये थ्री थाउजेंड पी बी से पेरू अगर पेरू बन सकता है पेरू 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 तो पहले कोई जानता भी नहीं था कहाँ देश है कोई नहीं जानता है आई रिमेंबर बिफोर आस अमरी और पेरू पेरू किधर है बोले कहाँ अफ्रीका में किधर है कोई जानता भी नहीं है लेकिन अभी पेरू सब जानती है क्यों बिकॉज ऑफ डीएक्शन है कि नहीं बोलो अगर पेरू एक छोटा देश बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन नंबर वन पर रह सकता है पहुंच सकता है तो हम

महाराष्ट्र है मे नंबर वन फॉर अ लॉन्ग टाइम अभी महाराष्ट्र को आगे ले जाने का है लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिहार लेट्स नॉट टॉक अबाउट यूपी इन फ्यूचर वील टॉक अबाउट महाराष्ट्र और आपको स्पिरिट करना पड़ेगा महाराष्ट्र को आगे ले जाने में ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडिया लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र बिकमिंग नंबर वन कैन वी डू इट कैन वी डू इट आप सबके लिए जोरदार तालियाँ लेडीज एंड जेलमेंस ना बिफोर ना बिफोर आई एंड माई स्पीच आई वुड लाइक टू शेयर एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं आपको एक फोटो हाँ ये फोटो है लैटिन अमेरिकन लीडर्स की फोटो है आ, ये ये फोटो खींचा गया था 2016 में आठ साल पहले यूएसए में अमेरिका में लॉस वेगस में खींचा गया था और ये खींचा था हमारी जो यूएस की एनिवर्सरी थी डीएक्शन एनिवर्सरी उससे पहले वस, उससे पहले इट वॉज टेकन एक्चुअली सारे लीडर्स थे वहाँ पर और ये जो लीडर्स हैं ना इसमें से कुछ लोग अमेरिका से हैं यूएसए से हैं लेकिन बाकी सारे लोग कई देशों से हैं साउथ अमेरिका से लैटिन मार्केट्स लाइक डोमिनिकन रिपब्लिक से कुछ हैं पेरू से कुछ हैं मेक्सिको से कुछ हैं बोलीविया uh, से हैं पनामा uh, से फिर एक्वादोर uh, से सो so ये सारे हमारे लैटिन अमेरिकन लीडर्स हैं और इन सबको मैंने बुलाया था टू पार्टिसिपेट फॉर द एनिवर्सरी बीच में मैं खड़ा हूँ देखो यू कैन सी इन मिडल राइट तो मैंने इनको सबको इन्वाइट किया था और तो सबको मैंने इन्विटेशन दिया था आने के लिए क्योंकि यूएसए में जो भी आता है दूसरे देशों से उनको वीसा की ज़रूरत पड़ती है अमेरिकन वीसा और अमेरिकन वीसा मिलना उतना आसान नहीं है तो सबको मैंने इन्विटेशन लेटर दिया था कि आप अप्लाई करो वीसा और आ जाओ तो सभी लोगों ने अप्लाई किया और सबको वीसा हासिल हो गया और सब लोग पहुंच गए केवल एक व्यक्ति के बस एक जन नहीं आ पाई तो मैं कहता हूँ ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है दिस इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर दिस इज एन इनकम्प्लीट फोटो क्योंकि इसमें एक जन मिसिंग है एक व्यक्ति यहाँ मिसिंग है और उस व्यक्ति का फोटो मैं दिखाना चाहूंगा दैट पर्सन फोटो शी इज नेपिफानिया कंडोरी ये ये जो लेडी है ये पेरूस है इनको भी मैंने इनविटेशन दिया था इनको भी मैंने लेटर दिया था कि आप अप्लाई करो वीसा अप्लाई करके आ जाओ यूएसए एनिवर्सरी के लिए लेकिन ये आ नहीं पाए क्योंकि इनका रिजेक्ट हो गया था वो एम्बेसी से बाहर एम्बेसी में इंटरव्यू के बाहर जब रिजेक्ट हो गया बाहर आके मुझे कॉल की उन्होंने कॉल करके रो रही थी वो रो रही थी रोके बोली कि मिस्टर प्रजीत आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी मैं बहुत आना चाहती हूँ अमेरिका में एनिवर्सरी के लिए नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ क्यों रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जो जो पूछा सब कुछ दिए मैंने अपने बा, 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 बैंक के स्टेटमेंट्स सारे दिए मैंने आपके डी के बोनस स्टेटमेंट कई सालों के बोनस स्टेटमेंट्स दिए मैंने सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने आपका लेटर भी दिया सब कुछ दिया इतनी तगड़ी फाइल में दिया उनको फिर भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया तो मैंने पूछा क्यों रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जो व्यक्ति ने जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उसको यकीन नहीं हुआ कि मैं कितना इनकम बनाती हूँ डीएक्शन में एंड <laughs> ये लेडी जो है एपिफानिया, 2016 में इनका स्टेटस था गोल्ड डायमंड गायमंड और ये पेरू में वो लिमा जो सिटी है कैपिटल सिटी सिटी में भी काम नहीं करती है सिटी में रहती नहीं है ये रहती है किसी गांव में एकदम बॉर्डर के किसी गांव में रहती है वो गांव एकदम पुअर गांव है एकदम पुअर विलेज है वहाँ पर वहाँ रहती है वहाँ रह के काम करती है वो हाँ और वहाँ रह के काम करके शी बिकेम गोल्ड डायमंड 2016 में एज अ गोल्ड एपिफानिया वाज अर्निंग 25,000 दौलर, फाइव डॉलर्स पच्चीस हज़ार डॉलर्स हर महीने पच्चीस हज़ार डॉलर्स मतलब बीस लाख रुपया ट्वेंटी लाख रुपीस एवरी मंथ जो व्यक्ति ने इन इनका इंटरव्यू लिया वो व्यक्ति ने देखा लुक एट हर सो सिंपल वुमन इतनी सिंपल लगती है इतनी हम्बुल लगती है और लिमा में भी काम नहीं करती वो काम करती किसी गांव में वहां रह के काम करके 20 लाख कैसे कमा सकती है वो उसको यकीन नहीं हुआ उसको यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 20 लाख रुपया या पच्चीस हज़ार डॉलर्स अमेरिका में भी बहुत बड़ी इनकम है आप कॉरपोरेट में देखे जाओ अमेरिका में बहुत सारे सारे सीनियर कॉरपोरेट लीडर्स को भी पच्चीस हासिल नहीं है महीने में वो ये लेडी कैसे कमा सकती है हाउ कैन शी एंड लुक एड सो सिंपल एंड शी इज वर्किंग इन ए विलेज वहां रह के पच्चीस हजार डॉलर बीस लाख रुपया हर प्रति महीने कमा रही है उसको यकीन नहीं हुआ उसने इसका विशा रिजेक्ट करके वापस भेज दिया घर सिंपल मैं आपसे ये, ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूं वाई आई शेयरिंग एरिंग दिस स्टोरी विथ यू फॉर अ वेरी सिंपल रीजन अगर एपिफानिया जो कि पेरू में रहती है किसी गांव में रह के वहां रह के विद गुड एटीट्यूड पैशन के साथ प्यार के साथ विद uh, इंडिपेंडेंस uh, uh, के साथ एक अच्छे विजन के साथ काम करके अगर पच्चीस हजार डॉलर या बीस लाख रुपया प्रति महीने कमा सकती है इस सिस्टम में अगर ये कर सकती है तो आप सभी लोग उससे ज्यादा कर सकते हैं डू यू एग्री विथ मी अगर एपिफानिया पच्चीस हजार बीस लाख रुपया प्रति महीने ले सकती है तो आप लोग उससे ज्यादा कमा सकते हैं इज अ सेम सिस्टम सेम सिस्टम द सेम प्रोडक्ट द सेम कंपनी बट वाई द फाइव इन्ग्रीडियंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली यू डोंट हैव टू बी इन मुंबई टू अर्न अ बिग इनकम यू कैन बी एनी वेयर इन द वर्ल्ड कहीं भी रह कर आप बड़े इनकम कमा सकते हैं दैट इज अ पावर ऑफ डीएक्शन सिस्टम अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं ये तो 2016 की बात है अभी तो ये अभी 2024 में तो एक क्राउन एम्बेसडर बन चुकी है ऑलरेडी शी इज ऑलरेडी क्राउन एम्बेडर इनका इनकम था पच्चीस हजार अभी तो एक लाख डॉलर्स हो चुका है प्रति महीने एंड दिस इज ओनली वन केस ऐसे बहुत सारे केसेस हैं अगर इन लोग कर सकते हैं तो हम लोग उनसे बेहतर कर सकते हैं डू यू एग्री विद मी अगर पेरू नंबर वन पे है तो हम नंबर वन से कहीं ऊपर पहुंच सकते हैं कैन वी डू इट कैन वी डू इट नंबर वन बनना एंड ऑल इज अ माइक्रो लेवल माइक्रो लेवल में क्या करने का है हमें अपने आप को आगे करना है एंड कैसे आगे करना है उसी के बारे में हमने अभी चर्चा की पांच इंग्रेडिएंट्स थ्री थाउजेंड पी पी हमको आगे ले जाना पड़ेगा बिजनेस अपने और से एंड वी कैन डू इट एंड वी कैन डू इट मच 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 बेटर लेडीज एंड जेंटलमैन अभी डी एक्सन इज एक्सपैंडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी एक सौ तो हम लोग पीछे रह गए अभी तो हम लोग और भी कंट्रीज में एंटर कर रहे हैं इस महीने भी आ रहे हैं एंटरिंग ब्राज़ील ब्राज़ील में शुरू कर रहे हैं हम लोग इस महीने और ब्राज़ील एक बहुत सॉलिड मार्केट रहेगा डिएक्शन के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हमारे इंडिया से हमारे मिस्टर रवि फ्राम यूपी विल बी देर बहुत सारे हमारे इंडियन के इंडियन स्टाफ को अभी ओवरसीज मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग तो मिस्टर uh, रवि आपने रवि को देखा होगा यूपी के हमारे यू पी सी आई सी हैं उसके बाद अर्जेंटीना लॉन्च करेंगे अर्जेंटीना में भी हमारे एक इंडियन स्टाफ जो पंडिचेरी में काम करता था मिस्टर राजेश हैं वो वो रहेंगे अर्जेंटीना उसके बाद चिली उसके बाद हम शुरू करेंगे नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट्स लाइक अल्जीरिया में शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी उसके बाद इजिप्ट में शुरू करेंगे उसके बाद हम अफ्रीकन मार्केट गाना जैम्ब बहुत सारे मार्केट्स में हम लोग नए मार्केट्स में शुरू कर रहे हैं हम लोग तो लोग हमेशा हमसे सवाल करती हैं कि अभी तीस साल हो गया तो लोग डी के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं और यू नो पहले ऐसा था कि लोग नहीं समझते थे लेकिन अभी लोग जानते हैं डी के बारे में तो हम लोग जो भी नए मार्केट जाते हैं तो लोग पूछते हैं हमसे आपका मकसद क्या है व्हाट इज़ योर गोल व्हाट इज़ योर गोल हियर इन इन दिस कंट्री हाई यू हियर टू बिकम नंबर वन आप यहाँ नंबर वन होने के लिए आए हैं क्या क्योंकि उनको पता है कि हम लोग पेरू में नंबर वन हैं हम लोग बोलीविया में इंडस्ट्री में नंबर वन है हम मेक्सिको इंडस्ट्री में नंबर वन है हम इंडिया में ऑलमोस्ट नंबर वन है बहुत जल्दी नंबर वन हो जाएंगे फ़िलीपींस में हम लोग नंबर वन हैं बहुत सारे देशों में मिडिल ईस्ट में हम लोग नंबर वन है शुरुआत से नंबर वन में हम लोग नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो लोग पूछते हैं कि आप ब्राज़ील में हो क्या आप ब्राजील में नंबर वन होना चाहते हो तो हम लोग अर्जेंटीना जाते हैं तो लोग वही कहते हैं अर्जेंटीनियन से नो कि, कि आप, क्या आप डी एक्सन क्या नंबर वन होना चाहता है अर्जेंटिया क्या आपका गोल क्या है तो मोटिवेशन के लिए पूछते हैं, हैं लोग तो हम लोग उन लोग कहते हैं हमारा गोल कभी नंबर वन बनने का था ही नहीं और गोल हैज ने बिकम नंबर वन बसकोर्स हालात ने हमें नंबर वन बना दिया दैट्स अ फैक्ट हमने जैसे काम किया कैसे हमने ग्रोथ किया डेफिनेटली वी बीके नंबर वन बट हमारा गोल कभी नंबर वन बनने का था ही नहीं वी नेवर वॉन्टेड वी नेवर प्लान टू बिकम नंबर वन वाई बिकॉज हमारा गोल शुरुआत से अब तक यही रहा कि लोगों को फ्री करना फ्री मैन एंड अ फ्री वुमेन हमारा गोल बस एक ही रहा टू मेक यू ऑल अ फ्री मैन एंड अ फ्री वुमेन फ्रीडम हासिल देना फ्रीडम हासिल करना दिस इज दिस हैज बीन द गोल राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोगों को कहते हैं कि हम हम ब्राज़ील एंटर कर रहे हैं टू मेक एवरीबडी फ्री अ फ्री मैन और अ फ्री वुमेन फ्रीडम क्या है व्हाट इज़ फ्रीडम बेसिकली क्या है फ्रीडम फ्रीडम एक एक सिंपल सा एक शब्द है लेकिन एक वेरी पावरफुल वर्ड है ये फ्रीडम फ्रीडम क्या है फ्रीडम ऑफ टाइम समय का फ्रीडम होना चाहिए स्वास्थ्य हेल्थ का फ्रीडम होना चाहिए फ्रीडम टू टू ट्रैवल उसका फ्रीडम होना चाहिए फ्रीडम ऑफ मनी पैसे का फ्रीडम होना चाहिए फ्रीडम टू हेल्प अदर्स उसका फ्रीडम होना चाहिए फ्रीडम टू डू एनी थिंग दैट यू वॉन्ट डू इन योर लाइफ जो भी आप करना चाहते हैं उसका फ्रीडम होना चाहिए सवाल उठता है कि हम में से कितनों को ये फ्रीडम हासिल हुआ है हमारी हमारे देश की आबादी है वन पॉइंट वन हंड्रेड एंड फोर्टी करोर्स कितनों को ये फ्रीडम हासिल हुआ है हमारे देश में दुनिया भर में कितनों को हासिल हुआ है गिने चुने लोगों को वेरी फ्यू बट मेजॉरिटी ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द आई वुड से 95 99 परसेंट ऑफ द पीपल अराउंड इनको ये फ्रीडम हासिल नहीं हुआ है अब अब सहमत है मेरे बात से yes. समय का फ्रीडम पैसे का फ्रीडम हेल्थ का फ्रीडम दूसरों को मदद करने का फ्रीडम ट्रैवल करने का फ्रीडम दुनिया देखने का फ्रीडम नो बट मैं गर्व से कह सकता हूं आई एम वेरी प्राउड टू से इन जो भी लोग सिस्टम में काम किए हैं फोकस होकर काम किए हैं उनको ये फ्रीडम हासिल हुआ है अराउंड द वर्ल्ड देर इज अ ब्यूटी ऑफ द सिस्टम और हमारा मकसद हमेशा यही रहेगा कि लोगों को ये फ्रीडम दे थ्रू द सिस्टम तो हम में से कितने हैं जिन, जिनको ये फ्रीडम हासिल करना है हम उफ यू गिव यूर सेल्फ ए वेरी 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 बिग ग्राउंड ऑफ ए लेडीज एंड जेंटमेन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे फोकस्ड पहले पहले हम लोग यू नो कंटिन्यूस मीटिंग्स करते थे महाराष्ट्र में मुंबई में आइज टू यू नो ट्रैवल फ्रॉम हियर मुंबई टू पूना टू ऑल द वे टू कोलापुर यू नो मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स ऑफ मीटिंग्स अभी अब अभी हमें वो दिन दोबारा लेके आना है एंड डू अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ और आपको ये फ्रीडम दो चॉइस नहीं आपके पास फ्रीडम हासिल करना है आज आपको मैंने तरीका भी बता दिया है और क्या करेंगे हम लोग आपको पता चल गया है एंड लेट्स वर्क टुगेदर

ग्रेट ट्रेनिंग सच अफुल तालियों की गूंज होनी चाहिए ये बहुत कम तालियाँ है बिकॉज ही वॉन्ट आज टू बी करोड़पति एक बेहतरीन रेसिपी जो हमको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिजनेस डेवलपमेंट और फॉर्चू फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काम करेगी थैंक यू वेरी मच सर